Hello friends, I'm Kamal. Welcome back to my channel. आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है, व्हाइट चॉकलेट एंड पीनट बटर बॉल्स। ये एक सिंपल डेजर्ट भी है, इसे ऐसे आप एक स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक पीनट बटर का मिक्सचर बनाएंगे। उसके लिए एक बड़े बाउल में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1.5 कप के करीब ओट्स के फ्लेक्स। मैं यहाँ पर क्वेकर ओट्स का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच भर के पीनट बटर। मैं यहाँ पर फनफूड्स का पीनट बटर यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले चम्मच से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम फिंगर टिप्स का यूज़ करके मिक्स करेंगे, जिससे हमें मिक्सचर बनाने में आसानी होगी। थोड़ा सा उठा के इसके हाथ से बॉल्स बना के देखें, अगर बन रहे हैं तो हमें अब और पीनट बटर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें डालें कटे हुए काजू, आप कोई भी नट यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार ब्राउन शुगर, पिसी हुई ब्राउन शुगर मैंने डाली है। ब्राउन शुगर की जगह आप हनी भी डाल सकते हैं या सिंपल वाइट शुगर पाउडर वो भी डाल सकते हैं। अब इसे फिर से एक बार हाथ से अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच दूध के। ये ठंडा दूध यूज़ करें यहाँ पर, गर्म हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। दूध हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका एक डो बनाना है, उसके बाद इसके बॉल्स बनाने हैं हमें। अब फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लें। हमारा डो बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे ज़्यादा नहीं गूंदना है, बस जस्ट डो बन जाए तब तक। इसके बाद थोड़ा सा मैं हाथों को तेल लगा के ग्रीस कर ले रही हूँ। अभी हमें छोटे छोटे इसके बॉल्स बनाने हैं। ये देखिए बहुत ही इजीली इस तरह से ये बॉल्स बन जाएंगे। अब सारे डो के साथ हम सेम प्रोसेस ही यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सारे बॉल्स बन चुके हैं। अब इन बॉल्स को कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। हमें फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। यहाँ पर मेरे पास गर्म पानी है, जिसके ऊपर एक मैंने एक और बाउल फिट किया है। उसके बाद मैंने डाली है उसमें 1 कप के करीब वाइट चॉकलेट, उसमें डाला है 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। अब इसे हमें मेल्ट करना है। रिफाइंड ऑयल हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे हमारी चॉकलेट जब हम कोट करेंगे बॉल्स को तो काफ़ी स्मूथ रहेगी। इसे अच्छी तरह से मिला के हम एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक ट्रे में बटर पेपर लगाया हुआ है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ट्रे को ऐसे ही तेल से ग्रीस कर सकते हैं। ये फ्रिज से मैंने अब बॉल्स अपने निकाल लिए हैं। हमारा वाइट चॉकलेट भी बनके रेडी है। तो अब हमें इन बॉल्स को वाइट चॉकलेट में कोट करना है। इस तरह पहले बॉल्स डालें, उसके बाद 2 फॉर्क की हेल्प से आप इस तरह बॉल्स को कोट कर लें। ये देखिए ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। इसके बाद इसे बटर पेपर पर रख दें। सारे बॉल्स के साथ हम सेम प्रोसेस ही रिपीट करेंगे।
जब सारे बॉल्स वाइट चॉकलेट के साथ कोट हो जाएं, उसके बाद हम उसे सजाने के लिए ऊपर से मैंने डाले हैं स्प्रिंकल्स। अगर आपके पास स्प्रिंकल्स नहीं है तो आप छोटे छोटे कटे नट्स भी डाल सकते हैं या इसे ऐसे भी रख सकते हैं। जब सारे बॉल रेडी हो जाएं तो हम उसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। उसके बाद निकाल लें। अब मैं आपको एक काट के दिखा रही हूँ कि ये अंदर से कैसा दिख रहा है। ये देखिए, ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, एक क्विक डेजर्ट की रेसिपी है या एक सिंपल स्नैक की रेसिपी भी है। आप इसे ज़रूर से ट्राई करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता। इससे मुझे अपने चैनल को ग्रो करने में बहुत सपोर्ट मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।